अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज इस घर में, इस कंट्री में हमारा लास्ट डे है और अल्लाह ताला से दुआ है कि एंट्री खैरियत से हो जाए। सब रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी की हुई हैं, सारा कुछ लीगल तरीके से किया हुआ है, कुछ भी शॉर्टकट नहीं लिया हुआ। अल्लाह ताला हमारी मदद करें और आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला खैरियत से एंट्री कर दें। और कल तो लास्ट जो हमारी नाइट थी इस घर में, वो ऐसे गुजरी है कि बस समझे कि मैंने सोचा था कि रोलर कोस्टर राइड होगी इमोशनली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग रात को 2 बजे सोए हैं, सुबह 7 बजे उठना पड़ा। इतने थक गए थे कि कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिला। आखिरी 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 चीज़ें इतनी समेटने वाली थी कि बस कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। आज जो है वो भागम भाग नाश्ता करेंगे और बस फिर निकलेंगे हम लोग। लेकिन फ्रिज मैंने साफ़ करके खाली कर दिया था, अब इसमें से भी बाकी की थोड़ी सी चीज़ें ज़रूरत की वो निकाल दूँगी। और बस मैं आपको दिखाती हूँ, घर का व्यू दे देती हूँ। पहले सबसे तो बाहर दिखाती हूँ मैं आपको मौसम कैसा है। ठंडा है, अच्छी खासी। इस वक्त 7 बज रहे हैं और ये चीज़ें भी जाएंगी साथ शायद, आई डोंट नो, जगह तो नहीं होगी इस घर में। चलें फिर। उसके अलावा ये सारी कैबिनेट्स खाली हैं और ये वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर निकलवा के रख दिया है, फ्रिज है और ये सारा सामान है इधर। और उसके अलावा ये है कार्टन्स वगैरह सामान, ये स्ट्रॉलर लेके जानी है। और फिर ये देखें जी, ये भी सारा खाली है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, बहुत डिफरेंट लग रहा है। ये सच है कि इंसान को के नसीब में जहाँ पे जितना रिस्क होता है वहीं वहाँ पे उतना ही मिलता है। और हमारे नसीब में यहाँ पे जितना रिस्क था बस वो इतना ही था। और जाहिर है जब तक सरवाइव करना है रिस्क तो मिलेगा, तो उसकी स्ट्रगल जारी रहेगी। तो खैर अब हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कल मैं फुल वीडियो बना ही नहीं सकी हूँ, तो क्योंकि कल इतने ज़्यादा काम थे, आप यकीन माने इतने काम थे कि जो थोड़ी सी क्लिप्स बना ली हैं वो भी मैंने ज़बरदस्ती टाइम निकाल के बना लिया, उसके बाद टाइम ही नहीं था। और ये हमारी करंट कंडीशंस हैं रूम की। एक तो यहाँ से है जो मेरा रूम है, बाकी ये सारे बॉक्सेस हैं जो मेरे ड्रॉयज वाले हैं, फिर ये कई चीज़ें पड़ी मैं लॉन्ड्री से जो लेके आए हैं, बाकी ये सारे हटा दिए हमने, कबर लेके जानी है तो रख दिए। फिर हमारा ये जो है गेस्ट रूम जो हमने रखा था, ये उसकी कंडीशन है, इट लुक्स टोटली डिफरेंट। वेल इट डजेंट लुक टोटली डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी ओके है। और ये है मास्टर बेडरूम, वो मैं तो ये है हमारा बेड जो बिल्कुल खाली हुआ हुआ है और सारी चीज़ें उसकी यहाँ पड़ी हुई है। ये जो है मैं इसके ऊपर सोता था, फिर मेरा पिलो उधर है और बाकी ये सारा जो है हमारा मम्मा पापा के रूम है, खाली हुआ हुआ है। यहाँ से तो बिल्कुल ही खाली हुआ हुआ है क्योंकि कोई वो नहीं है, क्या उसे कहते हैं, लेजी बॉय। तो ये है हमारी करंट कंडीशन। फिर ये ऊपर से है मेन। तो चले हम लोग जा रहे हैं, बस निकलने लगे इंशाल्लाह। हाँ चले ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. All the way, take me all the way.
place where the sun won't go away. Wide awake with an open mind, looking out from a mountain high. I don't know what to do now, need to figure it out, but I don't know.